विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर भारत चीन संबंधों पर कही बात, बोले असामान्य है भारत चीन संबंध। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता, आप देख रहे हैं एम्स मीडिया न्यूज। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य देश की अपनी पहली एकाधिकारक यात्रा पर सेंटो डोमिंगो पहुंचे हुए हैं। यहां राजनयिक स्कूल के बच्चों से शुक्रवार को बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, संपर्क और सहयोग में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा है। हालांकि सीमा पर आतंकवाद के मद्देनजर पाकिस्तान इसका अपवाद बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत के अधिकतर देशों से संबंध अच्छे हैं, चाहे वो अमेरिका, यूरोप, रूस या जापान हो। हम एक सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी संबंध बिना किसी शर्त पर आगे बढ़े। हालांकि चीन को लेकर जयशंकर ने कहा है कि उससे वर्तमान में हमारे संबंध सामान्य नहीं है, क्योंकि वह लगातार सीमा पर उल्लंघन करता रहा है। कहा, संबंध बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। दरअसल पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन लगातार बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती पर आक्रामक व्यवहार दिखाता रहा है, वहीं भारत लगातार इसकी आलोचना करता रहा है। यहां चीन और भारतीय सैनिक के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। 5 मई 2020 को पैगोंग लेक क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद गतिरोध को खत्म करने के लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा कि किसी भी देश के संबंध एक तरफा नहीं हो सकते हैं और इसे बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। वैश्विक समस्याओं के लिए समाधान के लिए भारत प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया के देशों की भलाई के लिए सामूहिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इस साल G20 की हमारी अध्यक्षता वैश्विक विकास की वास्तविकता चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है। जयशंकर ने कोलंबिया में एक सम्मेलन में कहा कि लैटिन अमेरिका के 4 देशों की उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत के सहयोग के स्तर को अच्छा करना है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे बीच सालाना व्यापार $50 अरब तक पहुँच रहा है। हमारी कंपनियाँ ऊर्जा, खनन से लेकर कृषि और ऑटो क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। डोमिनिकन में भारतीय दूतावास का उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय सहयोग को एक नया आयाम देगा। बता दें कि विदेश मंत्री सेंटो डोमिंगो की यात्रा पर पहुंचे हैं। दूतावास के उद्घाटन समारोह के दौरान डोमिनिकन के उपराष्ट्रपति समेत कई नेता मौजूद रहे। इस समारोह के बाद जयशंकर ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध सौहार्दपूर्ण है और हम बहुपक्षीय क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करते रहेंगे। बता दें कि भारत ने आधिकारिक तौर पर 2022 में सेंटो डोमिंगो में अपना दूतावास स्थापित किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया।